हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेकर आया हूं। अगर ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में पड़ा है तो अभी अभी आप अपने स्टॉक से बाहर निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक कभी भी गिर सकता है और काफ़ी शानदार ये स्टॉक है। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कभी भी किसी छोटे या ख़राब स्टॉक के ऊपर वीडियो नहीं लाता हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सेल करना है। अगर आपके पास ठीक ठाक एक डिसेंट अमाउंट है तो इसके ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको इस महीने के अंत तक 10% का रिटर्न बिल्कुल इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे कि ये स्टॉक क्यों गिरने वाला है और इसका कौन सा आपको ऑप्शन सेल करना है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक का नाम यहाँ पर लिखता हूँ। स्टॉक का नाम है डिवीस लैब। यहाँ पर देखिए, डिवीस लैब का स्टॉक मैंने खोल लिया है। स्टॉक का पूरा नाम है डिवीस लेबोरेटरीज लिमिटेड और ये स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया है पिछले दिन, मतलब कि फ्राइडे के दिन, वो 3051 रुपये पे क्लोजिंग दिया है और 1% बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर हम लोग इसका ओपनिंग देखते हैं तो ओपनिंग प्राइस था 3060 रुपये, हाई प्राइस था 3108 रुपये, लो था इसका 3004 रुपये और क्लोजिंग था 30060 रुपये। यहाँ पर बाई सेल क्वांटिटी कुछ भी नहीं लगी है। अगर हम लोग 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं यहाँ पर, तो इस स्टॉक का 52 वीक हाई है 3389 रुपये, जो कि 18 सितंबर को बनाया था इसने 2020 में ही, और 52 वीक लो जो था इसका वो 3 अक्टूबर 2019 का था 1595 रुपये। मतलब कि एक साल के अंदर ये स्टॉक 100% का रिटर्न दे चुका है यहाँ पे, क्योंकि देखिए 1500 या 1600 इसको अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 1600 से 3200 रुपये, मतलब कि डबल ऑलमोस्ट हो चुका है ये स्टॉक। तो चलिए हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक क्यों गिरने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने डिवीस लैब के स्टॉक का चार्ट खोल दिया है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 3060 रुपये पे इसकी क्लोजिंग। और इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी और ये वाली ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से निकालूंगा और देखेंगे कि कहाँ पर जाकर ये ट्रेंड लाइन ख़त्म होती है और हमारा सपोर्ट प्राइस निकल कर क्या आ रहा है। तो हमें देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में कि जून 2017 में यहाँ पर सपोर्ट लिया था एक बार इस स्टॉक ने, उसके बाद यहाँ पर एक हाई बनाया था जो कि था 760 रुपये का, उसके बाद फिर से नीचे आया स्टॉक और यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट हाई था हमारा यहाँ पर बनाया जो कि 1000 रुपये का था, उसके बाद यहाँ पर लगातार कंसोलिडेट किया, फिर एक बार इसने अपना जो नया हाई बनाया था 1217 रुपये का था, उसके बाद फिर से स्टॉक में करेक्शन आई और इसी वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से आकर इसने अपना सपोर्ट बनाया, उसके बाद लगातार यहाँ पर अप ट्रेंड में चलता रहा स्टॉक। और अगली बार जो इसका हाई था इस वाले प्राइस पे जो कि 1775 रुपये था, वहाँ पर इसने अपना हाई बनाया। लगभग तीन बार यहाँ पर अपना इसने टॉप बनाया था एक ही प्राइस पर, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से स्टॉक नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद फिर से इसी वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर ही थोड़ा सा सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से फिर से हमें एक और रैली देखने को मिली जो कि लगभग 2257 रुपये के पास थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक और करेक्शन आई और एकदम एग्जैक्ट इसी वाले ट्रेंड लाइन पे फिर से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक नया टॉप बनाते ऊपर की तरफ चला गया। अब हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि इस वाले ट्रेंड लाइन से ये स्टॉक की दूरी अभी कितना है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली ट्रेंड लाइन जो बहुत जा रही है तो लगभग 1870 रुपये के आसपास जा रही है और स्टॉक चल रहा है लगभग 3000 के पास में, तो ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, टॉप पे चला गया है, तो इसमें गिरावट संभव है, प्रॉफिट बुकिंग संभव है, क्योंकि ये स्टॉक जब चलना शुरू किया था पिछली बार जब इसने सपोर्ट लिया था तो इस वाले प्राइस पे लिया था जो कि 1600 रुपये था। 1600 रुपये से स्टॉक एक साल के अंदर 3200 रुपये चला गया, 3200 नहीं 3386 रुपये के आसपास चला गया, लगभग डबल से भी ज़्यादा ये स्टॉक हो गया था। ठीक है, और वहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन जो इसका पिछला वाला सपोर्ट प्राइस था यहाँ पर, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, इस पर आके सपोर्ट लिया और इसके लो को तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो ऊपर की तरफ ही दिया है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं इसको पीछे जाकर कि इसने कितनी बार गैप अप ओपनिंग किया हुआ है। ठीक, क्योंकि जो स्टॉक गैप अप ओपन होते हैं वो अपने जो गैप रहता है उसको फिल करने ज़रूर एक बार आते हैं, ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। तो सबसे पहला हम लोग इसका गैप अप देखेंगे इस वाले प्राइस पर, क्योंकि ये स्टॉक ने जो गैप अप ओपनिंग किया था यहाँ पर, देखिए ये वाला प्राइस था, चलिए हम इसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसको मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा तो थोड़ा सा सीधा दिखेगा लाइन। तो यहाँ से जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो अगले दिन जो ओपनिंग हुई थी यहाँ वाला, तो अगले दिन जो ओपनिंग हुई थी इस वाले प्राइस पे जो कि 1017 रुपये का था, तो ये वाला जो गैप अप है इसको फिल करने शायद कभी ये स्टॉक आ सकता है
और अभी तक जब ये गैप अप ओपनिंग हुई थी तो इस गैप को ये अभी तक फिल नहीं किया है, और इसको फिल करेगा जब, उस टाइम प्राइस होगा 932 रुपये। तो जब यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी उसके बाद से स्टॉक 932 रुपये का लेवल कभी भी नहीं दिखाया है। ये हो गया हमारा एक गैप अप। उसके बाद दूसरा गैप अप की हम लोग बात करते हैं कि हमारा दूसरा वाला गैप अप कहाँ पर हुआ था। तो दूसरा वाला गैप अप हमारा ये वाला पॉइंट था, देखिए ये वाला हमारा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर तरीके से दिख सके। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला ये गैप अप था, क्योंकि इस वाली कैंडल का जो हाई था वो 1278 रुपये था और इस वाली कैंडल का जो लो था वो था 1324, मतलब यहाँ पर 50 रुपये का गैप अप ओपनिंग हुई थी और इस गैप अप ओपनिंग को ये स्टॉक फिल करने नहीं आया है, और इसको तब फिल करेगा जब ये स्टॉक 1281 रुपये पर आएगा तब, ठीक है, 1281 रुपये पर आएगा तब, और उसके बाद ये स्टॉक 1281 का लेवल हमें कभी भी नहीं दिखाया है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा अच्छी तरीके से अगर रीड करना जानते हैं तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि ये जो गैप अप होता है इसका मैटर क्या होता है, कि ये स्टॉक या कोई भी इंडेक्स इसको फिल करने आता है कि नहीं, ज़रूर आता है। अब मैं इसको थोड़ा सा, अगली वाली जो गैप अप ओपनिंग है मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँगा आप लोगों को। तो अगली वाली जो हमारी लास्ट वाली गैप अप ओपनिंग है वो इस वाले पॉइंट पर है, ठीक है। अब मैं इसको ट्रेंड लाइन को हटा दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट वाली गैप अप ओपनिंग है ये थी हमारी 7 अगस्त को जो हमारी क्लोजिंग हुई थी वो था 2784 रुपये पे। अगले दिन जो हमारी ओपनिंग हुई थी 10 अगस्त को जो हमारी ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 3063 पे। यहाँ पर क्लोजिंग 2784 और ओपनिंग 3063, लगभग 200 से 300 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद ये स्टॉक 2818 का लेवल हमें नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो इसकी ओपनिंग थी तो कंटिन्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन बार बार जो इसकी क्लोजिंग हो रही थी इसके ऊपर ही हो रही थी। लेकिन अगर पिछले हम 2 दिन की क्लोजिंग देखते हैं तो इस वाली ओपनिंग या ये वाला जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है। इसकी लो अगर हम लोग देखते हैं तो 3063 रुपये है, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग हम लोग देखते हैं तो 3020 रुपये है, उसके बाद वाली कैंडल की अगर क्लोजिंग हम लोग देखते हैं तो 3060 रुपये की क्लोजिंग है। मतलब कि इसकी जो ओपनिंग थी और लो थी उसके नीचे लगातार ये स्टॉक 2 दिन से क्लोज कर रहा है, तो ये कभी भी 2814 रुपये या 2818 रुपये का लेवल हमें दिखा सकता है, और वो लेवल जब भी आएगा तो मात्र 1 से 2 दिन के अंदर आएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो यहाँ पर चाहें तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर मेरे पास होता तो मैं पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेता ऐसे स्टॉक में, ठीक है। और मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में एंट्री करिए या फिर एग्जिट करिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो दिख रहा था वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। और आपको इस स्टॉक से निकलना कब है, अगर थोड़ा सा इसमें और पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से बाउंस मारे और एक रैली आपको और दिखाए। लेकिन जब भी ये स्टॉक इस वाली कैंडल का लो, जो पिछली वाली कैंडल है, 2985 रुपये के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दें तो आप इसी स्टॉक से निकल जाना, क्योंकि ये फिर से 2018 रुपये के आसपास आ सकता है। और दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन आपको सेल करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, कि कितनी अमाउंट रहेगी तो आपको 10% का रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये गैप अप जो ओपनिंग है इसको फिल करने कभी भी स्टॉक आ सकता है, और इस वाले लो को जब ब्रेक करे तो आप इसी स्टॉक से बाहर निकल जाइए, जो कि रेट है 2985 रुपये, तो आप 2984 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पर ऑप्शन आपको जो सेल करना है वो इसका टॉप लेवल का ऑप्शन सेल करना है, मतलब कि जो इसका ऑल टाइम हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर। इसका ऑल टाइम हाई कितना हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला प्राइस 3389 रुपये, मतलब हम चाहें तो 3400 रुपये का ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसको एक नया 52-week हाई बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, और मार्केट भी अभी डाउन चल रही है और ये स्टॉक भी अभी डाउन ट्रेंड में आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट हो गई है ना। देखिए लास्ट टाइम यहाँ से गया था 1800 रुपये से 3400-3600 रुपये, कितना दिन लगा है आप देख सकते हैं, अप्रैल से अभी सितंबर महीना चल रहा है, मात्र 4 से 5 महीने के अंदर में ये स्टॉक डबल हो गया है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आना संभव है और ये गिरावट कभी भी हो सकती है। हमें ऑप्शन कौन सा सेल करना है हम वो देखते हैं,
जो 3400 का, इसका 3384-85 का या 89 का लेवल है, तो हम 3400 का ऑप्शन सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और सेफ्टी के साथ इसको खेलना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि इसका 3500 का ऑप्शन सेल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3400 और 3500 का लेवल दोनों लगा लिया है, दोनों ऑप्शन लगा दिया है अक्टूबर महीने का। अगर आप ज़्यादा सेफ्टी के साथ खेलना चाहते हैं तो आप 3500 का लेवल जो है उसका ऑप्शन सेल कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं बहुत ज़रा सा, तो 3400 का आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। और स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 3389, तो आप 3400 का ऑप्शन सेल करते हैं तो इसको फिर से नया 52 वीक हाई बनाने में टाइम लगेगा। और ये स्टॉक ऑलरेडी निगेटिव मोड में चल रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक कभी भी गिर सकता है, लेकिन आपको जब 2985 का लेवल ब्रेक करे तब आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है, क्योंकि फिर वो स्टॉक 2814 तक आने की पूरी पूरी संभावना है, और इसको भी ब्रेक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सेल करते हैं 3400 का ऑप्शन, तो 400 का लॉट है और यहाँ पर लगभग आपको 21,200 के आसपास का आपको प्रॉफिट होने के चांस हैं। और इसमें अगर आप अमाउंट देखते हैं कि इसके ऑप्शन को सेल करने में कितना अमाउंट लगेगा, तो अभी यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है शायद, इसलिए अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मैं आपको बता दूं कि 3400 या 3500 का कोई भी ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं डीवी स्लैब का, तो आपका 2 लाख रुपये का अमाउंट यहाँ पर लगने वाला है, और 2 लाख रुपये के अमाउंट लगने के बाद आपको यहाँ पर 21,200 तक के प्रॉफिट होने के मैक्सिमम चांस हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप भी हमारे प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं हमारे अंडर में, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलिंग की कॉल बिल्कुल फ्री में देता हूँ, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।